सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एज बायोलॉजी। ओके दोस्तों, हम देख रहे थे क्लास 12 साइंस का चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 है हमारे इस चैप्टर का। पार्ट 1 एंड 2 मैंने पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लो। ओके और चलो दोस्तों, आज का टॉपिक देखते हैं हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। दोस्तों आज थोड़ा भी दोस्तों हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, क्योंकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको मतलब सिर्फ ओवरलुक दिया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, मतलब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, तो अभी मैं पूरा एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। ओके सो दोस्तों, आगे देखते टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का दोस्तों टॉपिक है दोस्तों एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। देखो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन क्या होता है, उसमें कौन से कौन टॉपिक होते हैं, स्क्रॉटम और पेनिस। ओके, मैंने आपको बताया था कि वो आप उसे याद करके रख लो, उस डायग्राम को भी याद करो, ऐसे मैंने बता दिया था आपको। ओके चलो देखते दोस्तों। देखो स्क्रॉटियम मतलब क्या होता है, ये एक ब्लैक कलर्ड पिगमेंट होता है, मतलब पाउच, ब्लैक कलर्ड पाउच मतलब पिगमेंट होता है, जैसे कि आपको पता होगा टेस्टिस को होता है। ओके तो देखो सेकंड डे इसका पॉइंट दोस्तों, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट। ये किसमें डिवाइड होता है, टू कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ओके दैट इज लेफ्ट एंड राइट। ओके लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे ऐसा कुछ होता है वो। ओके मतलब ऐसा कुछ होता है, देखो लेफ्ट और राइट, थोड़ा अच्छा नहीं थोड़ा अच्छे से जमा नहीं मुझे। ओके तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ होता है वो। ओके ऐसा बीच में होता है, लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट होता है इसमें। ओके और यहाँ पे मतलब टेस्टिस प्रेजेंट, ये दोनों टेस्टिस है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये दोनों टेस्टिस। ओके तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ओके तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस ज्वाइन टू स्क्रॉटियम, मतलब जो टेस्टिस होते हैं वो किसको ज्वाइन होते हैं, स्क्रॉटियम को ज्वाइन होते हैं। ओके और उसे मतलब किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं, वो जुबरनिक्लियम नाम का एक मतलब होता है वो। ओके पार्ट होता है वो, उसके थ्रू वो टेस्टिस स्क्रॉटियम के साथ ज्वाइन हुए होते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर आपने टेस्टिस के ऊपर एक ब्लैक कलर की एक मतलब लेयर होती है, आपने देखा होगा ज्यादातर। ओके ओके तो वो उसको ज्वाइन करने के लिए टेस्टिस के साथ जुबरनिक्लियम का यूज होता है। ओके आप समझ सकते हो ओके मैं क्या कह रहा हूँ। ओके सेकंड इसका फंक्शन दोस्तों, फंक्शन इसका, इट एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर, मतलब ये क्या एक्ट करता है, थर्मोरेगुलेटर मतलब कि ये जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रखता है, दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस। ओके ध्यान में रखो, आपकी जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्स्टेंट रहता है। ओके मतलब बाहर कुछ भी हो, हमारी जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी रहो, मतलब जो हमारा एनवायरमेंट टेम्परेचर अगर लो हुआ तो हमें ज्यादा ठंडी लगने लगती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी लो होता है। ओके आपको पता होगा, पर जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस का टेम्परेचर कभी लो नहीं होता और इंक्रीज भी नहीं होता आई थिंक। ओके पर टेम्परेचर लो कभी नहीं होता, 56 डिग्री सेल्सियस के नीचे कभी जाता नहीं हो उसके टेम्परेचर। ओके तो ये इंपॉर्टेंट थिंग था, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, जाता रहेगा, ध्यान में रखो सिर्फ। ओके देखो दोस्तों, हम देखते हैं पेनिस। ओके सेकंड टॉपिक दोस्तों हमारा पेनिस। अभी देखो पेनिस मतलब क्या, इट इज लॉन्ग मस्कुलर बोनलेस ऑर्गन। ओके ये क्या है, एक लॉन्ग मस्कुलर बोनलेस ऑर्गन है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके मतलब ये तो टेस्टिस का पेनिस का अंदर वाला मतलब पार्ट ही है, पर आपको बाहर वाला पता होगा। ओके तो वो लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है, बोनलेस ऑर्गन होता है, बोनलेस होता है आपको पता होगा, मूवेबल भी होता है। ओके सेकंड दोस्तों, इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इससे ज्यादा वो लॉन्ग मतलब नहीं होता, मतलब ऐसा कहे तो। ओके 90% लोगों का 20% होता है और कुछ 10% होते हैं जिनका ज्यादातर हो सकता है, अब हमें नहीं पता जितना सारा। ओके पर ज्यादातर उनका मतलब नॉर्मल ह्यूमन का 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पेनिस होता है। ओके ध्यान में रखो। सेकंड दोस्तों, इट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इंसर्ट इज इन वजाइना एंड फीमेल रिमेन रिलैक्स सीमेन, मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको ठीक से बोलने पाया, मैं जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो मतलब पेनिस होता है, वो इंसर्ट होता है वजाइना के अंदर जब मतलब रिप्रोडक्शन करने के वक्त, सेक्स करने के वक्त। ओके और क्या रिलीज करता है, सीमेन रिलीज करता है इनटू वजाइना। ओके मतलब जो सीमेन, अभी देखो अभी कुछ बच्चों को सीमेन और स्पर्म के बारे में थोड़ा सा मतलब समझ में आता। अभी देखो स्पर्म मतलब क्या होता है, मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाने वाला हूं स्पर्म कैसा होता है और सीमेन कैसा होता है, पर फिर भी इन शॉर्ट में एक बार बता देता हूं। ओके सीमेन है ना, मतलब जो आप सीमेन के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। ओके सीमेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है वो आपको कभी दिखाई नहीं देते। ओके बहुत ही वो माइक्रो होते हैं, देख सकते हो आप जो ये सीमेन है। ओके ये क्या है, सीमेन है। ओके और स्पर्म, ये अंदर वाला स्पर्म है, इसके अंदर बहुत ही बिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं इसमें। ओके बिलियन भी कह सकते हैं हम इसे, मतलब वो इतने सारे स्पर्म होते हैं। ओके मतलब जब पेनिस फीमेल के वजाइना के अंदर इंसर्ट होता है, ओके तो वहाँ पे क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है उनके अंदर। लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है, समझ लो ये देखो ये ऐसा मतलब वजाइना है। ओके इसके अंदर अगर पेनिस गए तो क्या होता है, आगे पीछे होता है ना। ओके तो उसे लुब्रिकेशन कहते हैं। ओके तो उस वक्त क्या होता है, सीमेन रिलीज होता है। ओके तो आप समझ क्या है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। ओके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ओके तो वीडियो थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट हो सकता है बड़ा। ओके समझ सकते थोड़ा सा। ओके दोस्तों और थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करो क्योंकि आपको पता है दिवाली का मौसम चल रहा है। ओके
फटाके का आवाज आते रहते हैं ओके। तो ऐसे फर्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा टेस्टीज। अभी देखो टेस्टिस के बारे में बताऊं मैं, दे आर अ पेयर्ड सर्कुलर बॉडी सिचुएटेड इनटू स्क्रोटियम। मतलब ये क्या होता है, एक पेयर सर्कुलर बॉडी होती है, वो किससे मतलब सिचुएटेड होती है, किससे कनेक्टेड होती है, वो स्क्रोटियम के थ्रू कनेक्ट होती है। देखो स्क्रोटियम, देखो यहाँ दे सकते हो, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, जूम करता हूँ डायग्राम को। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो ये जो है ना, देखो ये है स्क्रोटियम। देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से निकल लाइन लिखी दी, ओके ये स्क्रोटियम। देखो यहाँ पे भी होगा ये सेम टू सेम है, ओके तो ये स्क्रोटियम ही है, टेस्टिस के साथ इंटरलिंक कनेक्ट हुआ है, ओके तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। तो फिर से हमारे थ्योरी पे आते हैं हम, ओके दोस्तों। सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट इज टेस्टिस इज सेमिनिफेरस ट्यूबल। यूनिट का मतलब इसका टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का कहते हैं हम उसे। देखो सेमिनिफेरस ट्यूबल यहाँ पे होगा, ओके सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है, ओके तो इस डायग्राम में होता है वो, ओके तो अभी यहाँ पे मतलब वो नाम नहीं दिया है लगता है, ओके तो देखो देखो इसका फंक्शन क्या है टेस्टिस का, मैं आपको बताऊँ, ओके टेस्टिस का फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस स्पर्म। ये क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ओके मतलब प्रोड्यूस करने काम करते हैं, ओके और प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मतलब उसे हम मेल सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं, ओके पर ज्यादातर स्पर्म कहते हैं, ओके स्पर्म वैसे नहीं कहते हैं, और उसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं, जो टेस्टिस होते हैं उसे हम टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज ऑफ ये क्या करती है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने काम करती है, इसलिए हम इसे टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं, ओके। तो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा वासा इफ्रंटिया मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ओके वासा इफ्रंटिया जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है हम देखते हैं यहाँ पे, द स्मॉल डक प्रेजेंट इन द टेस्टिस, मतलब जो टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर, ओके आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेस्टिस है, यहाँ पे थोड़ा रफ करता हूँ मैं, ओके तो जो टेस्टिस है ये टेस्टिस के अंदर एक स्मॉल डक मतलब एकदम बहुत ही एकदम छोटे छोटा पार्ट होता है वो प्रेजेंट है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं वासा इफ्रंटिया कहते हैं, ओके। इसका फंक्शन क्या है, इट कैरी स्पर्म, ये क्या करता है स्पर्म को कैरी करने काम करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू इपिडिडाइमिस। अभी देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू इपिडिडाइमिस तक करता है, अभी देखो ओके तो चलो मैं आपको बताता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू इपिडिडाइमिस तक ये मतलब उसका जो स्पर्म को कैरी करने का काम करता है, ओके तो उसको आगे देखते टाइम वेस्ट नहीं करते, जैसे कि आपने डायग्राम में देख लिया होगा, ओके दोस्तों हम देखते थे इपिडिडाइमिस, अभी सेकंड पॉइंट है हमारा दोस्तों इपिडिडाइमिस। अभी देखो इट इज स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अवर डिश, मतलब जो टेस्टिस होता है टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ होता है, ओके तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं यहाँ पे, ओके देखो यहाँ पे सेमिनिफेरस, मैंने क्या बोला टेस्टिस, ओके इपिडिडाइमिस बोला, अभी देखो इपिडिडाइमिस क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है स्पर्म स्टोर्ड हुआ होता है, ओके और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके यही दिया है मैंने भी यहाँ पे भी मैंने यही लिखा, इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द स्पर्म एंड प्रोवाइड, देखो ये टेम्पररी स्टोर स्पर्म को स्टोर करता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ओके। सेकंड हमारा वॉस है, वॉस डिफरेंस, अभी वॉस डिफरेंस मतलब इट कम फ्रॉम इपिडिडाइमिस, ये क्या होता है मतलब इपिडिडाइमिस के पास रहता है ज्यादातर, ओके ओपन इन टू सेमिनल वेसिकल, मतलब ये सेमिनल वेसिकल के पास रहता है, ओके उसे ओपन करने काम करता है, ओके इट इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, मतलब जब हमारे देखो यहाँ पे देख सकते हो, जब स्पर्म यहाँ से टेस्टिस में से निकलता है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूबल के पास जाता है और बाद में मतलब इपिडिडाइमिस के साथ निकल के ऐसे यहाँ से निकल के, देखो यहाँ पे इपिडिडाइमिस यहाँ से निकल या इस पाइपलाइन से थ्रू जाके यहाँ पे जाता है, ओके कॉर्पस ग्लैंड के बाद जाता है, मैं आपको आगे बताता हूँ वो कॉर्पस ग्लैंड के यहाँ पे क्या होता है, ओके सिर्फ आप यहाँ पे मैं जो टॉपिक आपको पढ़ रहा हूँ वो आप अच्छे से समझो, कि आगे वाला मैं तो पढ़ाने वाला हूँ आपको, ओके। इसका फंक्शन दोस्तों इट कैरी द स्पर्म, क्या करता है सिर्फ स्पर्म को कैरी करने काम करता है, इसका यही मेन फंक्शन है, ओके तो आपको मैंने डायग्राम के साथ अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों, ओके आई होप आपको अच्छे से समझ रहा होगा। इजुकेलेटरी डक्ट मतलब क्या, इजुकेलेटरी डक्ट, ओके द डिफरेंस वॉज डिफरेंस ओपन सेमिनल वेसिकल, वॉज डिफरेंस ओपन होता है सेमिनल वेसिकल पास, देखो वॉज डिफरेंस कहाँ पे मैं आपको दिखता हूँ, देखो वॉज डिफरेंस ओपन टू सेमिनल वेसिकल, ओके सेमिनल देखो वॉज डिफरेंस यहाँ पे यहाँ से स्पर्म अगर कैरी होता है मतलब कैरी होता जाता है, और देखो सेमिनल वेसिकल कहाँ पे, देखो सेमिनल वेसिकल कहाँ पे यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ओके यहाँ से अगर आया तो यहाँ पे जाके क्या होता है वो मतलब वहाँ पे जाके स्टोर होता है, ओके सेकंड दोस्तों देखते हैं हम, ओके द सेमिनल वेसिकल रिलीजेस इट्स सीक्रेशन ऑफ स्पर्म, मतलब सेमिनल वेसिकल क्या होता है वहाँ से रिलीज करते हैं स्पर्म को, ओके मतलब सीक्रेट करता है और रिलीज करने काम करते हैं, ओके सेकंड है यूरिनोजेनिटल डक्ट, अभी देखो इसे हम यूरेथ्रा भी कह सकते हैं, ओके यूरिनोजेनिटल डक्ट उसे हम यूरेथ्रा भी कह सकते हैं, ओके इट इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब पार्ट, ओके ये क्या एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर पार्ट है और कॉमन पाथवे फॉर यूरिन और सीमेन, ओके देखो यूरिनोजेनिटल डक्ट किसे कहते हैं हम, देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कॉमन पाथवे है इसका यूरिन रिलीज करने का और स्पर्म दैट इज सीमेन रिलीज करने का, ओके ये इसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं हम, ओके आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं दोस्तों।
ये जो हमारा लास्ट टॉपिक दोस्तों हमारा एसेसरी सेक्स ग्लैंड। ओके एसेसरी सेक्स ग्लैंड मतलब क्या होता है, इसमें देखते हैं हम सेमिनल वेसिकल पॉइंट आता है जो हमारा फर्स्ट। ओके इट कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ टोटल सीमेन, मतलब ये क्या करता है 60% ऑफ टोटल जो सीमेन होता है उसे कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उसे स्टोर रखने काम करता है। ओके सीक्रेशन ऑफ सीक्रेशन कंटेंट क्या होता है इसका, फ्रुक्टोज, मतलब फ्रुक्टोज होता है उसके अंदर सीक्रेशन करता है वो। ओके फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन, जो कि मतलब ये सब यहाँ पे वो सीक्रेशन करने काम करता है। ओके सेमिनल वेसिकल का ये मेन फंक्शन है। ओके मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। ओके सेमिनल वेसिकल यहाँ पे ये सब कुछ प्रोसेस होती है, मैंने आपको पिछले मतलब जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको अच्छे से बताया। देखो यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रोजेस्टेरोन और फ्रुक्टोज यहाँ पे मतलब उसका वो सीक्रेशन करते हैं, स्पर्म में से निकाल के मतलब सीक्रेशन करते हैं, समझ लो आप सिर्फ इतना। ओके ज़्यादा डिटेल में जाने से क्या होगा, मतलब आपको जो पढ़ा रहा वो भी अच्छे से नहीं समझेगा। ओके जो देखते हैं फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मतलब क्या है, दे आर ओनली प्रोड्यूस इन सेमिनल वेसिकल, ये क्या करते हैं सेमिनल वेसिकल को सिर्फ प्रोड्यूस करने काम करते हैं। ओके प्रोड्यूस करते हैं। ओके इन इट्स एनर्जी टू स्पर्म, मतलब ये क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके जिससे क्या होता है आपको पता होगा स्पर्म जो होता है वो आपके मतलब जब आप रिप्रोडक्शन करते हो सेक्स करते हो उसके वक्त क्या होता है वो बहुत मतलब स्पीड में से और पाइपलाइन का प्रेशर कैसे होता है उसकी तरह मतलब स्पीड में से बाहर आता है। ओके आपको पता होगा। ओके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्रुक्टोज को। ओके फाइब्रिनोजन मतलब क्या करता है, इट कोएगुलेट सीमेन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, मतलब ये क्या करता है अगर देखो अगर किसी मतलब जो सीमेन होता है ओके कोएगुलेट करने का काम करता है, मतलब जो सीमेन अगर एक बार बाहर निकल गया तो उसे अंदर नहीं जा सकता। मतलब सीमेन देखो अभी देखो इस जो पाइपलाइन है एक थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं आपको, देखो ये जो यूरेथ्रा है जो यहाँ पे ओके अगर यहाँ से एक बार सीमेन यहाँ से पूरा रिलीज होगा यहाँ से पूरा फ्लो होके वो यहाँ से निकलता है ओके यहाँ से पूरा बाहर निकलता है, बट ऐसा कभी भी होता नहीं कि वो फिर से कभी कभी मतलब यहाँ पे थोड़ा रहेगा और वो भी बैक फ्लो होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, वो आएगा तो पूरा आ जाएगा एक ही बार में। ओके तो आपको समझ में आ गया इसका क्या होता है फाइब्रिनोजन का मतलब उसका मीनिंग क्या होता है। ओके सेकंड दोस्तों हमारा प्रोस्टोग्लैंडिन, जो कि प्रोस्टोग्लैंडिन मतलब इट हेल्प टू वजन इट्स न्यूट्रल, मतलब वजन को न्यूट्रल करने काम करता है वो भी एक तरह का मतलब केमिकल्स होता है ओके हमारे इसके अंदर ओके पेनिस के अंदर। ओके वो क्या करता है वजन को न्यूट्रल करने काम करता है क्योंकि सेक्स के लिए थोड़ा सा मतलब आसानी हो। ओके सेकंड दोस्तों हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब कंट्रीब्यूट अबाउट 30% ऑफ टोटल सीमेन, मतलब इसके अंदर क्या होता है 30% ऑफ टोटल सीमेन क्या होता है कंट्रीब्यूट मतलब स्टोर हुआ होता है। ओके इट सीक्रेशन मेक्स वजन न्यूट्रल, मतलब क्या करता है सिर्फ वजन को न्यूट्रल करने काम करने के लिए इसका यूज होता जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, अभी ध्यान में रखो अभी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। सेकंड दोस्तों हमारा कॉर्पस ग्लैंड, अभी जो कॉर्पस ग्लैंड क्या होती है इट सीक्रेशन एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। ओके मतलब क्या लुब्रिकेंट करता है, मैंने आपको पहले बता दिया लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है। ओके कॉर्पस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, जब ये देखो ये मैं आपको बताऊँ, देखो ये समझ लो एक वजन है ओके और ये क्या है पेनिस है। ओके ऐसा जब ये मतलब रिप्रोडक्शन करते जब सेक्स करते तो ये जो पीछे मतलब आगे पीछे होता है आपको पता होगा ना, मतलब उसे हम लुब्रिकेशन कहते हैं और उसी में से क्या होता है जो सीमेन होता है वो रिलीज होता है। ओके तो इसका कॉर्पस ग्लैंड का ये मेन फंक्शन है। ओके तो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की दोस्तों इस ये पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए बताएं बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब मतलब टॉपिक निकालने के लिए, पूरा मतलब बुक पढ़ना पड़ता है मुझे, पूरा मतलब चैप्टर को अच्छे से एनालाइज करके सब कुछ करके आपके लिए नोट्स निकालनी पड़ती है और वो आपको पढ़ाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों एक मेरी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक कर दो सिर्फ। ओके और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके मेरे कई मतलब दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ओके दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले। ओके तो बाय फ्रेंड्स।